साहब से भी का जीके जी T20 में स्वागत है। आज का वीडियो है टॉप 500 हिस्ट्री एमसीक्यू का, ये पार्ट 6 है। इससे पहले 5 पार्ट अपलोड है, आप लोग नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में इसका लिंक है या फिर आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हु वाज नोन एज तूती ए हिंदुस्तान, इसका मतलब पैरोट ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? तो ये बोला जाता है अमीर खुसरो को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जितने भी क्वेश्चन है ये सारे प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं, या फिर SSC का एग्जाम हो या फिर रेलवे UPSC इससे लिए गए हैं। तो आप लोग ये 500 क्वेश्चन यदि आप लोग याद करके जाते हो कोई भी एग्जाम में, तो आपको लगेगा कि मतलब हिस्ट्री से आप लोग को बहुत सारा क्वेश्चन याद है। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द फेमस कोहिनूर डायमंड वाज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम वन ऑफ द माइंस, कौन से माइंस से कोहिनूर डायमंड निकाला गया था? तो ये निकाला गया था गोलकोंडा माइंस से, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। अगला है, हु वाज कॉल्ड द अकबर ऑफ कश्मीर, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? तो ये है जैनुल अब्दीन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला क्वेश्चन है, द फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ द विजयनगर किंगडम वाज, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संगम डायनेस्टी। अगला देखते हैं, द फाउंडर ऑफ वहामी किंगडम वाज, तो वहामी किंगडम के फाउंडर जो हैं ये हैं ऑप्शन नंबर सी में, अलाउद्दीन बहामन शाह। अगला है, वेयर इज द फेमस बिरूपाक्ष टेम्पल लोकेटेड, तो ये लोकेटेड है हम्पी में। देखिए हम्पी जो है ये एक विजयनगर एम्पायर का ही अवशेष है, तो आप याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आता है कि हम्पी जो है किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, और ये साउथ में है। अगला है, द किंगडम ऑफ विजयनगर वाज फाउंडेड बाय, तो ये फाउंड किया गया था हरिहर एंड बुक्का के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, गीत गोविंद द फेमस पोएम वाज रिटन बाय, तो ये लिखा गया जयदेव के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। और अगर अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को सबसे पहले मिल सके। और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके अलावा बहुत सारा वीडियो अपलोड है, आप लोग एक बार चैनल पर जाकर जरूर देखें। यदि हिंदी में देखना हो तो हिंदी में भी बहुत सारा वीडियो है, और इंग्लिश में भी वीडियो बहुत सारा अपलोड किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बीजापुर इज नोन फॉर इट्स, तो ये फेमस है गोल गुंबज के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है, भक्त तुकाराम वाज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ व्हिच मुगल एम्पायर, तुकाराम जो थे किसके समकालीन थे? तो ये थे जहांगीर के समकालीन, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अगला है, भक्ति मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय, तो भक्ति मूवमेंट किसने स्टार्ट किया था? तो ये अलवर के संत सब मिलके किया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला, वेयर डिड बाबर डाई, तो ये आगरा में मृत्यु हुआ था, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है, व्हिच वन इज नॉट सिचुएटेड एट फतेहपुर सिकरी, तो देखिए इसमें मोती मस्जिद जो है ये फतेहपुर सिकरी में नहीं है, ये दिल्ली में सिचुएटेड है, और बाकी जो है सारा फतेहपुर सिकरी में है, तो आप लोग देख लीजिएगा। और ये फतेहपुर सिकरी कहाँ है? ये UP में है। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ आईने अकबरी, देखिए इसका राइटर जो है ये अबुल फजल है। देखिए दो बुक नाम याद रखिए अबुल फजल का, एक आईने अकबरी और एक अकबरनामा, ये दोनों बुक लिखा गया है अबुल फजल के द्वारा, और एग्जाम में ये बुक बहुत ही पूछा जाता है। तो आप दोनों बुक का नाम याद रखिए, आईने अकबरी यहाँ लिखा हुआ है और एक है अकबरनामा, राइटर का नाम अबुल फजल। अगला है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ मुगल, तो देखिए यहाँ पे दाम जागीर मनसा ये सब तो मतलब एसोसिएटेड है, लेकिन जीतल जो है ये दिल्ली सल्तनत का एक क्वाइन है, तो ये मुगल सल्तनत से रिलेटेड नहीं है। अगला है, मुगल पेंटिंग फ्लोरेस ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो ये जहांगीर के टाइम में सबसे ज्यादा
उन्नति पे था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, जहांगीर। अगला है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज डिफीटेड बाय बाबर इन फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। देखिए फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 ईस्वी में जो हुआ, तो इसमें बाबर ने हराया इब्राहिम लोदी को, और इस बैटल के बाद इंडिया में मुगल सल्तनत का नींव रखा गया। तो आप डेट याद रखिएगा, फर्स्ट 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें इब्राहिम लोदी हार गया था और बाबर जीत गया था। अगला है, द मोती मस्जिद इन आगरा वाज बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, तो ये शाहजहां के टाइम में बिल्ड हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलिटरेट, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अकबर। अगला है, बिटवीन हुम वाज द बैटल ऑफ चौसा फोर्ट, तो ये फाउट हुआ था हुमायूं एंड शेर खान के बीच में, जिसे शेर शाह सूरी भी बोला जाता है। तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा, शेर खान या शेर शाह सूरी, दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये बैटल हुआ था कब, तो ये हुआ था 1539 ईस्वी में, और इसमें शेर खान जो था या शेर शाह सूरी, ये जीत गया था, हुमायूं हार गया था। तो याद रखिएगा, ये इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट में साइड में आप लैंग्वेज जरूर लिखें, हिंदी इंग्लिश जो भी में वीडियो चाहिए और जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। और इसके अलावा बहुत सारा वीडियो है अपलोड, आप ऊपर आई बटन में देखें या फिर चैनल पे एक बार जरूर विजिट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।